हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल विद अशोक तो फ्रेंड्स आज हम एच के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर एलेवन का पार्ट सेवन करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा लर्निंग प्रोसेस चैप्टर है यहाँ पर हम ह्यूमन लैंडस्केप क्या होता है और एक कर्ट लुिन जो है फोर्स फील्ड थेरी होती है उसके बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में पूरा चैप्टर आपको कवर करके दिया है मॉड्यूल सी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए जो है हम काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं कहीं पर भी हमने शॉर्टकट नहीं लिया हुआ है ओके चलिए बात करते हैं ह्यूमन लैंडस्केप की तो देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं एक तो ह्यूमन होता है और एक मशीनरी वगैरह होती है ठीक है तो कैसे ह्यूमन और कैसे मशीनरी को सेट किया गया है मतलब कितने लोग हैं क्या है कितनी क्वालिटी है क्या है इन्हीं सभी चीज़ों को मिला करके ठीक है उसमें से जो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है उसी को ही कि ह्यूमन कितने हैं किस लेवल के हैं टैलेंटेड हैं क्या हैं वही ह्यूमन आपका लैंडस्केप कहलाता है थोड़ा सा बताया है अभी एक्चुअल सेंस नहीं बनेगा जब ये पूरी थेरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ओके okay? तो ह्यूमन लैंडस्केप की बात करते हैं व्हाट डिफ्रेंशिएटेड डिफरेंशिएट दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट सिंपली इंस्टॉल न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम दोज दैट आर एबल टू फुल्ली रियलाइज द हॉब होब्ड फॉर बेनिफिट्स इज देयर एबिलिटी टू मैनेज ह्यूमन लैंडस्केप मतलब दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या करती है वो सिंपली इंस्टॉल करती है न्यू इनिशिएटिव को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका समाधान निकालने के बजाय नया सम नया मतलब कुछ करने का ट्राई करने का प्रॉब्लम ना सॉल्व करो बल्कि नई चीज़ ट्राई कर लो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है और दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फुल्ली रियलाइज़ करती है देखिए इंस्टॉल इंस्टॉल क्या होता है मैंने आपको बताया था ना प्रोजेक्ट यानी कोई चेंज अगर आप करना चाहते तो वो जो है अर्ली टर्मिनेशन मेल्ट डाउन इंस्टॉल और रियलाइजेशन से गुजरता है तो वही बात हो रही है यहाँ पर ओके और दूसरा है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फुली रियलाइज करती है क्या जो भी बेनिफिट उसे चाहिए तो वो उसको रियलाइज हो जाता है मिलता है ठीक है यही एबिलिटी उसका ह्यूमन लैंडस्केप कहलाता है ठीक है और आगे बढ़ते हैं एट द मोस्ट बेसिक कोर अ वर्क इन्वायरमेंट इज़ कंपोज ऑफ़ टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक अगर एकदम बेसिक में बात करें तो जो आपका वर्क इन्वायरमेंट होता है उसमें दो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पहला दोज दैट आर इनर्ट पहला इनर्ट होता है और दूसरा ह्यूमन होता है ठीक है दो बिल्डिंग ब्लॉक हो गए एक हो गया इनर्ट और दूसरा हो गया ह्यूमन इनर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं डीलिंग विथ सच थिंग लाइक स्ट्रक्चर पॉलिसी टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी कैपिटल एंड टूल ये सारी चीज़ें आपकी इनर्ट होती हैं मतलब आपका पॉलिसी क्या है स्ट्रक्चर कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कौन सी टेक्नोलॉजी हो रही है यूज स्ट्रेटजी पूंजी टूल्स मशीनरी ये सारी चीजें आपका इनर्ट में आ जाती हैं ह्यूमन में क्या चीजें आती हैं ह्यूमन में सच थिंग जैसे परसेप्शन एजम्सन रेजिस्टेंस फियर एस्पिरेशन बिलीफ वैल्यू यानी ह्यूमन वाली सारी चीजें इसमें आ जाती हैं ठीक है तो दो तरीके की चीजों से मिल करके बनता है अब ईच वर्क इन्वायरमेंट हैज इट्स ओन कंफिग्रेशन ऑफ इनर्ट एंड ह्यूमन कंपोनेंट ठीक है तो हर एक वर्क इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके का ह्यूमन कंपोनेंट होगा अलग तरीके का इनर्ट कंपोनेंट होगा कहीं पर ह्यूमन कंपोनेंट ज्यादा होगा कहीं पर इनर्ट कंपोनेंट ज्यादा होगा हर एक का अलग अलग होता है दैट फ्रॉम अ यूनिक आइडेंटिटी आर लैंडस्केप दैट डिस्टिंग्विट इज फ्रॉम एनी अदर वर्क सेटिंग और यही इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी या लैंडस्केप बनाता है जो कि इसको अलग करता है डिस्टिंग्विश करता है किसी अदर वर्क सेटिंग से ओके द इनर्ट एस्पेक्ट आर आइसोलेटेड इनडिपेंडेंट फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप दैट हैव नो इनहेरेंट कनेक्शन टू वन अनदर अब ये बोल रहे हैं कि जो इनर्ट एस्पेक्ट होता है वो आइसोलेटेड होता है अलग अलग होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं अलग अलग होते हैं मतलब किसी का एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है एक दूसरे से जो इनर्ट होता है जैसे मशीनरी का है ना मशीनरी का आपके स्ट्रेटजी से कोई कनेक्शन नहीं यही बोल रहे हैं जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया चेंज इन सॉफ्टवेयर डज नॉट बाई इट ट्रिगर शिफ्ट इन द वे बजट्स आर मैनेज अगर आप सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपके जो बजट को कैसे मैनेज किया था उसके वे में चेंजेस नहीं करने वाला है तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं लेकिन इट इज द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ अ लैंडस्केप दैट प्रोवाइड्स ऑल द लिंक बॉन्ड एंड एफिलिएशन दैट एग्जिस्ट विद इन वर्क सेटिंग तो ह्यूमन कंपोनेंट वो है जो आपको लिंक बॉन्ड और एफिलिएशन प्रोवाइड करता है समझ रहे हैं बात को तो ह्यूमन कंपोनेंट ही है जो कि एक दूसरे को जोड़ता है कुल मिलाकर के इनर्ट वाला मशीनरी हो गई एक तरीके से और ह्यूमन कंपोनेंट आपका बॉन्डिंग वगैरह देता है विदाउट ह्यूमन कंपोनेंट मीनिंगफुल इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इनर कंपोनेंट वुड नॉट एग्जिस्ट बिना ह्यूमन कंपोनेंट के जो इंटीग्रेशन आप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आपस में मिलाते हैं कौन से इनर्ट कंपोनेंट को वो नहीं हो सकता है ओके तो इनर्ट कंपोनेंट तभी जो है इंटीग्रेट होते हैं जुड़ते हैं जब ह्यूमन कंपोनेंट वहाँ पर मौजूद हो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत समझ में होगा मेरे ख्याल से कि हम लैंडस्केप में ह्यूमन लैंडस्केप में क्या बात कर रहे हैं ओके okay? तो पीपल्स आर ब्रिजिंग एजेंट बिटवीन देमसेल्फ एंड ऑल द इनर फीचर ऑफ वर्क इन्वायरमेंट तो लोग जो होते हैं वो ब्रिज करते हैं गैप को पूरा करते हैं किसके किसके बीच में ह्यूमन के बीच में और जितने भी इनर्ट फीचर हैं यानी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया मशीनरी हो गई टूल्स हो गई ये सारी चीजें हो गई देअर फोर इट इज द ह्यूमन लैंडस्केप इसलिए ये ह्यूमन लैंडस्केप है दैट इज मोस्ट क्रूशियल टू द सक्सेस और फेलियर ऑफ द एफर्ट ऑफ़ चेंज द वे एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन यानी कि इनका कहने मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम करती है उसके वे में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है ह्यूमन लैंडस्केप प्ले करेगा मशीनें नहीं एनर्ट वाले पार्ट नहीं प्ले करते हैं क्लियर हो जाती बात तो ह्यूमन लैंडस्केप ये चीज होती है थोड़ा सेंस बना होगा अब द ग्रेटर द प्रोमिस ऑफ चेंज द मोस्ट मोर डिस्टरप्शन रिक्वायर्ड ये बोल रहे हैं कि जितने बड़े स्तर का जो है चेंज करेंगे आप उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगा उतना ही ज़्यादा विद्रोह विरोध होगा ये जान लीजिए आप अपने व्यवहार में चेंज करके अपने घर में देख लीजिए अगर आपको विश्वास ना हो जैसा आपका व्यवहार है उसमें चेंजेस करके देख लीजिए आपको पता चलेगा कि विद्रोह शुरू हो चुका है एक एक वो वीडियो देखा था तो उसमें बोला कि जो है कहते हैं कि जो है, जो है जो बोलना है सब मुँह पे सच बोलो मैंने घर पे मुँह पे सच बोल दिया अब घर में महाभारत चल रही है तो वही है चेंज भी इसी तरीके का होता है डिस्पाइट बिस्फुल थिंकिंग टू द कंट्री मोस्ट पीपल आर रिलेक्टेंड टू डिस्टर्ब द रूटीन दैट हैव फॉर्म्ड इन देअर लाइफ वैसे लोग चाहते हैं उल्टा करना कि हम जो है मतलब बदलना चाहते हैं मतलब सोचते हैं वी थिंक है ना हम चाहते हैं कि हम बदलें लेकिन होता उल्टा है ज़्यादातर लोग रिलेक्टेंट होते हैं लापरवाही दिखाते हैं वो अपने रूटीन को बदलना नहीं चाहते हैं जो मैं करते मतलब वही इनर्सिया वाली बात है कि जो करना कर रहे थे वही करना पसंद करते हैं रूटीन को चेंज नहीं करना चाहते अगर मैं जर्नल और लेजर पर जो है बैंकिंग चला रहा हूँ तो मुझे कंप्यूटर पर ले जाना बहुत ही नियर बाई इम्पॉसिबल टास्क है ये एक प्रॉब्लम रहती है ओके तो वही बोल रहे हैं व्हाट पीपल रिजिस्ट इज नॉट द टेक्नोलॉजिकल एंड अदर चेंजेस ये बोल रहे हैं कि जो लोग विद्रोह करते हैं वो टेक्नोलॉजिकल या अदर चेंजेस का नहीं करते बल्कि चेंज इन सोशल रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन सोशल जो आपस में रिलेशनशिप है उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो उसका विरोध ज़्यादा करते हैं इंप्लॉय एज ह्यूमन बींग आर एडिक्टेड टू एस्टेब्लिश हैबिट ह्यूमन बींग जो होते हैं वो लत लगी हुई होती है उनको एडिक्शन होता है किसका हैबिट्स का अपनी जो आदतों का लत लगी होती है आफ्टर एन क्लिंग टू देम इवन Uh, doing so is unproductive or worse. सेल्फ डिस्टर ठीक है तो ये बोल रहे हैं कि उनसे चिपके रहना चाहते हैं जो हमने आदतें बनाई हैं हम उसके एडिक्टेड हो चुके हैं हैबिट के एडिक्टेड हैं और हम उसे ही करना चाहते हैं जो करते रहे हैं वही करना चाहते हैं चाहे वो अनप्रोडक्टिव हो चाहे वर्स वो जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेरा खुद का नुकसान भी क्यों ना कर दें फिर भी हमें उसी वैसे ही जैसी जिंदगी थी वैसे ही ज़िंदगी ज़्यादा पसंद आती वही रूटीन हमें ज़्यादा पसंद आता है ये होता है फ्रेंड्स आपका ह्यूमन लैंडस्केप ठीक तो ह्यूमन लैंडस्केप में हमने देखा कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन ही है ह्यूमन लैंडस्केप ही है जो इनिशिएटिव uh, को चेंजेस को ला करके सामने रख सकता है बेसिकली हमने देखा वर्क इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक में पहला इनर्ट होता है दूसरा ह्यूमन होता है इनर्ट में आपका टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्ट्रक्चर पूंजी टूल्स मशीनरी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ह्यूमन वाले में आपका ह्यूमन से रिलेटेड जो फीलिंग्स होती हैं परसेप्शन एजम्पन रिजिस्टेंस फियर एस्परेशन बिलीफ वैल्यू ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है हर एक वन वर्क इन्वायरमेंट का अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन होता है इनर्ट का और ह्यूमन कंपोनेंट का और यही इसे यूनिक बनाता है यूनिक यानी हर फैक्ट्री का अलग हिसाब होगा वहाँ अलग तरीके से काम होगा अलग तरीके से काम होगा द इनर्ट एस्पेक्ट आइसोलेटेड होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं यानी मशीनरी हो गई आपका या कैपिटल uh, हो गया स्ट्रेटजी हो गई ये सारी आइसोलेटेड होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं और इनका कोई एक दूसरे से खास कनेक्शन नहीं होता है जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस किया है तो उसका असर जो है आप बजट को कैसे मैनेज करते हैं इस बात पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है ये ह्यूमन कंपोनेंट है जो आपस में बॉन्डिंग रिलेशनशिप लिंक और वो एफिलिएशन दिखाता है यानी बिना ह्यूमन कंपोनेंट के जो इनर्ट कंपोनेंट है उनका आपस में कोहरेंस आपस में जुड़ाव संभव नहीं है पीपल जो होते हैं वो ब्रिजिंग एजेंट होते हैं इनर्ट इनर्ट और ह्यूमन कंपोनेंट के बीच में तो अगर हम ये समझें तो ह्यूमन कंपोने ह्यूमन लैंडस्केप ही मोस्ट क्रूसियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता या असफलता में या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी चेंज को कर रही है उस चेंज के सक्सेस या फेलियर में ह्यूमन लैंडस्केप का सबसे बड़ा रोल होता है जितने बड़े स्तर का आप चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रप्शन उतना ही ज़्यादा बवाल विद्रोह और भूकंप आने की ज़रूरत रहेगी ठीक है तो हम इन, ये होता क्यों है क्योंकि हम सभी चेंज को रजिस्ट करते हैं हम चेंज नहीं चाहते हम कर, सोचते तो हैं चेंज करना लेकिन हम जो है विद्रोह करते हैं विरोध करते हैं किसी भी रूटीन को हम अपने ख़राब नहीं करना चाहते हैं इसीलिए लोग जो है अब आज के समय में रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं रिलेशनशिप <laughs> में आप क्यों नहीं जाना चाहते क्योंकि आपका रूटीन ब्रेक होगा या जाते भी हैं तो आप ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते पहले बोलते हैं कि लोग जो है दो दो तीन तीन दिन, दिन जो है अपने रिश्तेदारी यहाँ रहते थे अब कोई रिश्तेदारी के यहाँ जब से आप बड़े हुए होंगे मुझे नहीं लगता कि किसी रिलेशनशिप में आपने शायद मुश्किल से ही रात भी बिताई होगी राइट क्यों क्योंकि आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है विश्वास मानिए है ना आपको जिस बेड पे सोने की आदत है जिस तरीके से सोने की आदत है वो वहाँ पर दिक्कत करेगा इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है यही हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि हमने जो अपना रूटीन बना रखा है उस रूटीन को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं इसीलिए पीपल रजिस्ट करते हैं किसको जो टेक्नोलॉजिकल या अदर चेंजेस होते हैं तो उसको नहीं रजिस्ट करते बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग सोशल रिल, रिलेशनशिप को अगर चेंज करने की कोशिश की जाए तो उस पर ज़्यादा विरोध करते हैं ठीक है इम्प्लाई ह्यूमन बींग होते हैं इसलिए ये एडिक्टेड होते हैं अपनी हैबिट्स को जो भी आदत आपने बना रखी है उसकी एडिक्शन रहती है और आप उस आदत से चिपके रहना चाहते हैं भले ही वो उस आदत की वजह से आप अनप्रोडक्टिव हैं यानी कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इवन वर्स स्थिति जा रही है आप अपना खुद का नुकसान अपनी इमेज का नुकसान कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप वही करते रहना चाहते हैं अब ह्यूमन लैंडस्केप में जो आपके लीडर्स हैं उनको क्या पता होना चाहिए यानी कि कुल मिलाकर के ह्यूमन लैंडस्केप को सुधारा कैसे जा सकता है इंप्रूव कैसे किया जा सकता है तो उसके लिए व्हाट लीडर नीड टू नो लीडर को क्या जानने की जरूरत होती है तो लीडर्स डू नॉट नीड अ डीप एक्सपर्टाइज इन साइकोलॉजी ऑफ चेंज लीडर को डीप अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी ऑफ चेंज की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं पूरा एकदम थेरी और क्या नाम है पी एच डी करने की जरूरत नहीं है कुल मिलाकर यू समझ लीजिए टू डील विद द ह्यूमन लैंडस्केप बट अ सॉलिड वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक्स इन्वॉल्व इन द इसेंशियल बल्कि उन्हें पता होना चाहिए किसका वर्किंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मतलब चेंज के बारे में चेंज के बारे में वर्किंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि जरूरी होती है तो यहां कहा गया कि लीडर को साइकोलॉजी ऑफ चेंज में एक्सपर्ट बनने की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं बस उनको वर्किंग और सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत होती है कि चेंज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए द प्रॉब्लम इज दैट मैनी एग्जीक्यूटिव आर नाट प्री डिस्पोज टू फोकस ऑन कंपोनेंट सॉरी पीपल एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क इन्वायरमेंट एट ऑल अब समस्या क्या है समस्या यह है कि ज़्यादातर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं तो वो प्री डिस्पोज होते हैं टू फोकस ऑन पीपल एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क इन्वायरमेंट कहने का मतलब यह है कि वो ध्यान नहीं देते संवेदनशील नहीं होते वर्क इन्वायरमेंट के पीपल एस्पेक्ट पर वो ध्यान नहीं देते ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव या ज्यादातर नेता एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड ऑफ lack लैक द नॉलेज ऑफ हाउ ह्यूमन लैंडस्केप ऑपरेट और हाउ टू इन्फ्लुएंस दम ठीक है तो मतलब कहने का कुल मिलाकर के दो तरीके के सिचुएशन है एक तो एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं जो वर्क इन्वायरमेंट में पीपल एस्पेक्ट को वैल्यू ही नहीं देते दूसरे जो इंटरेस्ट दिखाते भी हैं पीपल एस्पेक्ट में उनको ये नहीं नॉलेज है कि कैसे ह्यूमन लैंडस्केप ऑपरेट करता है और कैसे इसको प्रभावित किया जा सकता है तो ह्यूमन लैंडस्केप रेडीनेस इन्वॉल्व फोर क्रिटिकल एलिमेंट तो ह्यूमन लैंडस्केप की रेडीनेस में चार क्रिटिकल जो है एलिमेंट्स होते हैं आइए देख लेते हैं चारों को एंड स्टेटस ऑफ दीज एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट पीपल्स प्री डिस्पोजिशन टूअर्ड रियलाइजेशन सक्सेस तो इन uh, मतलब इन चारों एलिमेंट्स की जो स्टेटस है वही आपके सक्सेस को रियलाइज करने में डिसाइडिंग फैक्टर होता है पहला है इस्पॉन्सर दूसरा है कैपेसिटी तीसरा है कल्चर और चौथा है टारगेट तो स्पॉन्सर्स क्या होता है यानी चार एलिमेंट हो गए हमारे ह्यूमन लैंडस्केप के लिए स्पॉन्सर द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट इनिशिएटिव्स आर अप्लाइड अप्रोप्रिएटली ठीक है तो जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो इनिशिएटिव है वो प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से अप्लाई हुए हैं वो पार्ट आता है आपका फ्रेंड्स इस्पॉन्सर्स में किस में आता है स्पॉन्सर्स में आता है कुल मिलाकर के यूँ समझ लीजिए कि जो कंपनी होती है कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो स्पॉन्सर्स में आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इनिशिएटिव आर अप्लाइड अप्रोप्रिएटली दूसरा होता है कैपेसिटी कैपेसिटी क्या होती है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स पीपल नीड टू एडाप्ट टू डिज़ायर चेंज जो चेंजेज आप करना चाहते हैं उसको एडोप्ट किया जा सके उसको जो है अपने अनुकूल ढाला जा सके इसके लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी यानी कैपेसिटी भी जरूरी होती है ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया कल्चर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्राउंड रूल फॉर हाउ थिंग्स आर रियली डन ऑन डे बाई डे डे बाई डे बेसिस ये आपका कल्चर में आ जाता है यानी कि कैसे जो है रूल्स क्या हैं कौन से फॉर्मल इनफॉर्मल रूल्स क्या हैं जिनकी सहायता से चीज़ें डे बाई डे बेसिस पर की जाती हैं फिर आता है फ्रेंड्स आपका टारगेट पीपल होम द इनिशियेटिव आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस यानी कि हम जो चेंज करना चाहते हैं वो किन लोगों को प्रभावित करता है इसके बारे में टारगेट्स में बात होती है द चैलेंज फेसिंग लीडर्स सो यहाँ पर जो लीडर्स के सामने चैलेंज होता है वो ये होता है चैलेंज फेसिंग लीडर्स टूडे इज डिलीवरिंग ऑन द कमिटमेंट दे मेड या मेक वाइल अनाउंसिंग क्रिटिकल चेंज जब भी कोई चेंज की बात करता है कोई लीडर तो उस समय वो कमिट भी करता है कि हम ये ये चेंजेस के बाद ये ये चीज़ें प्रभावित होंगी ठीक है तो वो कमिटमेंट को पूरा करना उन कमिटमेंट को डिलीवर करना ही सबसे बड़ा चैलेंज लीडर्स के लिए होता है इंस्टॉलेशन ऑफ द चेंज इज़ सेल्डम इन जेपरडी अगर जो है किसी चेंज को आप इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉलेशन फेज तक ले जाते हैं तो वो परेशानी में ही गुजरता है इट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ़ द प्रोमिस टू शेयर शेयर होल्डर्स दैट इज़ टिपिकली एट रिस्क ठीक तो ये रियलाइजेशन होता है जब आपको रियलाइजेशन और इंस्टॉलेशन मैंने बताया था ना रियलाइजेशन जब चीज़ें पूरा प्रोजेक्ट चलने लगे और हमें प्रॉफिट होने लगे तो ये रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉमिस टू शेयर होल्डर्स दैट इज टिपिकली एट रिस्क तो रियलाइजेशन जो है आपका रिस्क पर होता है ओके okay? तो ये थोड़ा समझ में आया होगा थोड़ा नहीं समझ में आएगा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को लेकिन कोई बात नहीं है मैंने इसीलिए इस टॉपिक को लास्ट में रखा था क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही थी तो लीडर्स को क्या क्या पता होना चाहिए तो पहली बार लीडर को पूरा जो है पीएचडी करने की जरूरत नहीं साइकोलॉजी ऑफ चेंज में उनको बस वर्किंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे जो है मतलब चेंज को इम्प्लीमेंट किया जा जाता है ठीक है तो कई सारे एग्जीक्यूटिव नेताओं या लीडर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो पहली बार वर्क इन्वायरमेंट में पीपल एस्पेक्ट को ध्यान ही नहीं देते हैं पहले तरीके के लीडर दूसरे तरीके के लीडर जो इंटरेस्टेड भी होते हैं पीपल एस्पेक्ट में उनको नॉलेज नहीं होती कि कैसे ह्यूमन लैंडस्केप ऑपरेट करता है और कैसे इसको इन्फ्लुएंस किया सकता है प्रभावित किया सकता है ठीक है फिर हमने बात की ह्यूमन लैंडस्केप की रेडीनेस में चार क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं यानी ह्यूमन लैंडस्केप आपका कितना तैयार है उसके लिए चार एलिमेंट्स होते हैं पहला स्पॉन्सर स्पॉन्सर कौन होता है मैनेजमेंट आपका ठीक है उसके बाद कैपेसिटी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कितना कैपेबल है कितनी क्षमता हमारे पास है कल्चर ठीक है किस तरीके से डे बाई डे के ऑपरेशन चलते हैं क्या रूल्स और रेगुलेशन है टारगेट किन लोगों को हम चेंज से प्रभावित करना चाहते हैं वो आपका टारगेट में आ जाता है अब आजकल के लीडर को जो चैलेंज फेस हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जब आपने कोई कोई क्रिटिकल चेंज की बात की तो उस समय आपने कुछ सर्टन प्रॉमिस किए होंगे कुछ कमिटमेंट किए होंगे लेकिन आप उस कमिटमेंट को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चैलेंज फेस कर फेस करता है दूसरा अगर इंस्टॉलेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं जेपरडी में चला जाता है परेशानी लेकर आता है रियलाइजेशन जो होता है वो जो है प्रॉमिस पूरा करने जैसा होता है लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एट रिस्क होता है ठीक है उसके बाद में आ जाता है आपका एसेसिंग चेंज फोर्सेस लुइंस फोर्स फील्ड एनालिसिस की बात करेंगे ठीक है तो कर्ट लोइन की फोर्स फील्ड थेरी होती है या चेंज फोर्सेस देखो क्या हो रहा है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा समझ लेते हैं फिर कहा आगे बढ़ते हैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ चेंज करने का प्रयास करते हैं जो पहले से चला आ रहा है उसको बदलने का जब आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं एज़ पर दिस थेरी एक जो फेवरेबल होते हैं और एक जो विरोध में रेजिस्टेंस वाले होते हैं ठीक है अब अगर फेवरेबल वाले हावी हो गए तो फिर चेंज हो जाएगा अगर जो है रजिस्टेंस हावी हो गया तो चेंज नहीं होगा ठीक है और अगर जो है दोनों बराबर काम किए तो की स्थिति रहेगी ना चेंज होगा ना कुछ होगा समझ रहे हैं जैसे जो किसानों का आंदोलन हुआ था ठीक है गवर्नमेंट जो है किसानों के लिए रूल लेकर के आई उसका किसानों ने विरोध किया अब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ज्यादा था यानी कि किसानों ने विरोध ज्यादा किया इसकी वजह से क्या हुआ जो चेंज करना चाहती थी सरकार वो कहीं ना कहीं उसको पीछे हटना पड़ा और चेंज नहीं हो पाया ठीक है अब कोई और है जैसे आर्टिकल थ्री सेवेंटी लेकर आए मान लीजिए सरकार अब यहाँ क्या है फेवरेबल फोर्सेज ज़्यादा उसके साथ में थे अगेंस्ट वाले कम थे इसलिए वो चेंज संभव हो पाया और कहीं कहीं परिस्थिति होती है कि जो है दोनों फोर्सेस बराबर काम करते हैं ना इधर जाने देते हैं ना उधर जाने देते हैं तो यही है कर्ट लोइन की फील्ड थ्योरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्लान फॉर चेंज इट इज़ एसेंशियल फॉर देल लीडरशिप टू एसेस फोर्स विच अफेक्ट चेंज इन आइदर वे तो बोल रहे हैं कि इससे पहले कि आप चेंज के लिए प्लान करें आप लीडरशिप को जरूरी होता है कि वो एसेस करें कि कौन कौन से जो है फोर्सेस हैं जो प्रभावित करेंगे हमारे चेंज को किसी भी डायरेक्शन में विरोध में या साथ में सहयोग सा, देंगे या विरोध करेंगे वो अलग बात है लेकिन जो भी फोर्सेस प्रभावित करने वाले उनको एसेस करना जरूरी होता है द प्लान चेंज इज़ नॉट ऑटोमेटिक आर मैनी फोर्सेज इन इंडिविजुअल ग्रुप आर इवन ऑर्गेनाइजेशन विच में आई एक्सेप्ट द चेंज आर रजिस्टेड दो इन मोस्ट ऑफ द केसेज दे आर मे बी रजिस्टेंस ठीक है तो जो आपका प्लांट चेंज होता है friends, वो आटोमेटिक नहीं होता खुद नहीं हो जाएगा आपने सोचा और हो नहीं जाएगा बहुत सारे फोर्सेस होते हैं इंडिविजुअल स्तर पर ग्रुप स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर, पर जो कि या तो चेंज को एक्सेप्ट कर देंगे कि ठीक है चलो जो चेंज हो रहा है अच्छा लग रहा है हमको हम करेंगे जैसे कंप्यूटराइजेशन की बात आई कि हम बैंकिंग इंडस्ट्री को कंप्यूटराइज करेंगे ठीक है तो वहाँ पर क्या हुआ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है कंप्यूटराइजेशन होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे रजिस्ट करेंगे नहीं हम कंप्यूटराइजेशन नहीं यार मैंने कभी सीखा ही नहीं मेरी अट्ठावन साल की एज है अब मैं कंप्यूटर सीखने बैठूंगा ठीक है और ज़्यादातर केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस रजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं चेंज का विरोध ज़्यादा किया जाता है ठीक है ज़्यादातर केसेज में यहाँ पर चेंज का विरोध किया जाएगा देअर फोर अनलेस मेजर फोर्सेस अनलेस मेजर फोर्सेस रिजिस्टिंग टू चेंज एग्री टू चेंज इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू इंप्लीमेंट द चेंज सक्सेसफुली तो जब तक ऐसे फोर्स ज्यादातर फोर्स जो कि रजिस्ट कर रहे हैं चेंज के चेंज को यानी कि चेंज का विरोध कर रहे हैं वो जब तक बदल नहीं जाते एग्री टू चेंज जब तक वो बदल नहीं जाते हैं यानी जो विद्रोह कर रहे हैं वो जब तक साथ नहीं आ जाते तब तक मैनेजमेंट के लिए चेंज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है वेरियस फोर्सेज अफेक्टिंग द चेंज वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स फील्ड अ कॉन्सेप्ट गिवन बाई कर्ट लुइन ठीक है तो जो फोर्सेस हैं जो चेंज को प्रभावित करते हैं वो किसके सिद्धांत पर काम करते हैं फोर्स फील्ड के सिद्धांत पर काम करते हैं और इसको थेरी को दिया था कर्ट लुइन ने पूछा गया है दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मैंने बताया नहीं कि मॉड्यूल सी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थेरी में से ये भी एक है तो कर्ट लुइन ने इस थेरी को दिया था इन ग्रुप प्रोसेस देयर आर सम फोर्सेज फेवरिंग टू मेनटेन एन इक्लिब्रियम व्ल सम में अपेज द एक्लिब्रियम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है तो जब भी कोई ग्रुप प्रोसेस चल रही होगी ग्रुप प्रोसेस चल रही होगी कुछ फोर्सेस होंगे जो कि फेबरिक मेंटेन करेंगे इक्ब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे जबकि जो है उस इक्लिब्रियम को अपोज करने की कोशिश करते हैं दो तरीके के फोर्सेस होते हैं अभी हम समझ लेंगे क्या चीज़ होती है देखो इक्लिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये होता है थोड़ा सा इसको देसी भाषा में समझिए जैसे मान लो सेब जो है मार्केट में साठ रुपए किलो बिक रहा है ठीक है और आप उसको जो है चालीस रुपये खरीदना चाहते हैं तो एक ऐसा प्राइस होगा जहां पर दोनों लोग सेट हो जाओगे तो ये एक तरीके के इक्विलिब्रियम की, की स्थिति होती है तो वही बोल रहा है कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहते हैं जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो इक्विलिब्रियम को अपोज करना चाहते हैं कि नहीं हम इसे मेंटेन नहीं रहने देंगे इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन सम ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस और इक्विलिब्रियम कब मिलता है जब सारे जो भी ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो फेवरेबल फोर्सेस हैं ड्राइविंग फोर्सेस या फेवरेबल फोर्सेस उन सबको जोड़ लीजिए वो इक्वल टू हो जाए किसके जितने भी रिस्ट्रेनिंग वाले फोर्सेस हैं उनके सम के यानी जितने विरोध कर रहे हैं वो उनका जोड़ और जितने फोर्स जो है फेवर में हैं ये फेवर वाले हो गए ये रेजिस्टेंस वाले हो गए अगर इनका सबका जोड़ इक्वल है तभी जो है हमें एक इक्विलिब्रियम की स्थिति प्राप्त होती है ठीक है अब ये देखो यहाँ पर रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं ए और बी यहाँ पर जो है ड्राइविंग फोर्सेस हैं एक्स एंड वाई यानी कि ये फोर्सेस हैं जो मना कर रहे हैं कि नहीं होने देंगे ये ड्राइविंग फोर्सेस है जो कहते हैं कि नहीं हमें जो है इस मतलब इस चेंज को इफेक्टिव रखना है ठीक है उसकी वजह से हमें क्वासी स्टैटिक एक्वेरियम यहाँ प्राप्त होता है एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये दिया हुआ है ठीक है अब क्या होगा यानी कुल मिला करके ये स्थिति बन गई ठीक है अब ये, ये क्या है ये विरोध करने वाले लोग हैं और ये क्या हैं जो फेवर में हैं अब अगर ये दोनों इसी जगह पर टिके रहेंगे तो हमारा इक्लेबरियम यहीं पर रहेगा अब अगर मान लो कि ऐसा हो कि ड्राइविंग फोर्सेस ज़्यादा हो गए ड्राइविंग फोर्सेस की वैल्यू ज़्यादा हो गई और जो है रेस्ट्रेनिंग यानी कि विरोध करने वाले की कमज़ोर पड़ गए तो हमारा इक्ब्रियम खिसक के वहाँ चला जाएगा इसका जस्ट उल्टा मान लो जो है हमारे विरोध करने वाले हावी हो गए तो हमारा जो है और ये सपोर्ट करने वाले कम हो गए तो हमारा एक्वरियम खिसक करके हाँ आ जाएगा ठीक है बनेगा एक्वेरियम लेकिन उसमें क्या है इस वाले में कायदे का एक्लिब्रियम है और यहाँ पर क्या हो रहा है किसी न किसी एक की जीत और हार हो रही तो कुल मिला ये तीन ही स्थितियाँ होती हैं एक जिसमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स हावी है अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्स हावी है तो चेंज मत करिए परेशानी हो जाएगी अगर ज़्यादा विरोध करने वाले लोग हैं सौ लोग विरोध में खड़े हैं और दस लोग जो है सपोर्ट में खड़े हैं तो बिल्कुल सौ लोगों के खिलाफ मत जाइए अगर 50 लोग विरोध में खड़े हैं और 50 लोग सपोर्ट में खड़े हैं अब आप चाहो तो चेंज कर लो ना चाहो तो चेंज ना करो दोनों फिफ्टी फिफ्टी खेल चला हुआ है यहाँ पता चल रहा है कि फेवर करने वाले सौ लोग हैं आपके फेवर में सौ लोग हैं और विरोध करने वाले दस लोग हैं बहुत आराम से चेंजेस को आप कर सकते हैं दैट इज लुइंस फोर्सफील्ड कर्ट लुइन की फोर्सफील्ड थेरी होती है ठीक है एवं फीवर शोज दैट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज ए क्वासी स्टैटिकम क्वासी स्टैटिक क्यों कहा गया है क्योंकि ये टेम्प्रोरी है पर्टिकुलर मोमेंट पर है मैंने बताया नहीं इक्विलिब्रियम आपका ऊपर नीचे जा सकता है इसीलिए इसे इक्विलिब्रियम कहा गया है रीच्ड व्हेन फोर्सेस ए और बी आपके रेस्ट्रेनिंग विरोध करने वाले फोर्स ए और बी एंड ड्राइविंग फोर्सेस एक्स एंड वाई आर इक्वल ठीक है तो इस फिगर में दिखाया क्या गया है कि यहाँ पर ए और बी रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं और ड्राइविंग फोर्सेस एक्स वाई दोनों इक्वल हैं इसलिए हमने एक क्वासी स्टैटिक इक्वेबरियम की स्थिति पाई हुई है क्वासी स्टैटिक इसलिए कहा गया क्योंकि ये टेम्प्रोरी है इज स्टैटिक बिकॉज इट मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए रहेगा एंड इफ देर इज देर इज एनी चेंज न्यू इक्लेबरियम अचीव होगा अगर कोई और चेंज किया जाता है तो नया इक्वेबरियम हमें स्टेबलिश करके मिल जाएगा दस वैन एनी चेंज इज इंट्रोड्यूस जब भी कोई इंट्र, चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है द बैलेंस ऑफ ड्राइविंग एंड रिमेनिंग फोर्सेज चेंजेस मेकिंग फोर्सेज टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चेंज तो जब भी कोई चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जो आपके ड्राइविंग फोर्सेस हैं और जो आपके रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं इनमें चेंज आता है और वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं ओके और इसकी वजह से जो मतलब चेंज का कैसा नेचर है उसी के हिसाब से जैसे कहने मतलब ये हुआ कि अगर आपने रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज और जो है आपके ड्राइविंग फोर्सेज दोनों थे अब आपने कोई चेंज इंट्रोड्यूस किया तो दोनों अलग अलग, अलग तरीके से व्यवहार करेंगे किसी कोई चेंज अगर अच्छा होगा तो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस ज्यादा हावी हो जाएगा अच्छा रहेगा तो ड्राइविंग फोर्सेस हावी हो जाएंगे अगर नहीं अच्छा रहेगा तो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस आपके हावी हो जाते हैं इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है ठीक है देयर में भी थ्री टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन बोथ ड्राइविंग एंड रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस आर ऑपरेटिंग जब दोनों फोर्स काम कर रहे हों फेवरेबल वाले भी और अपोजिशन वाले तो तीन सिचुएशन बन सकती है हमारे सामने देखिए दीख, पहला ड्राइविंग फोर्सेस यानी फेवर वाले फोर्सेस ज़्यादा हैं आउट वेट द रेस्ट्रेनिंग फोसेज यानी कि ये ज्यादा ज़्यादा हावी हैं ड्राइविंग फोर्सेज रेस्ट्रेनिंग फोसेज से ज़्यादा हावी हैं देन मैनेजमेंट कैन पुश ड्राइविंग फोर्सेज एंड ओवर पावर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज एंड चेंज कैन बी इंप्लीमेंटेड तो जब ड्राइविंग फोसेज आपके ज़्यादा हावी हैं ड्राइविंग फोर्सेज ज्यादा हावी हैं और रेस्ट्रेनिंग फोसेज कम हावी हैं तो उस केस में क्या होगा जो आपके ड्राइविंग फोर्सेज हैं इनको ज़्यादा पुश किया जा सकता है और जोर दिया जा सकता है और इसको जो है रिस्ट्रेनिंग पावर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवर पावर किया सकता है इनकी पावर ख़त्म की जा सकती है और चेंज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सीधी सी बात है मतलब आपके फेवर में सौ लोग हैं और अपोजिशन में दस लोग हैं तो फेवर वाली चीज़ आसानी से हो जाएगी ये वही सिचुएसन है दूसरा इफ़ द ड्राइविंग फोर्सेज एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज आर इक्वल आप सोचो कि जो है सौ लोग जो है साथ में हैं और सौ लोग खिलाफ़ में हैं देन मैनेजमेंट कैन पुश द ड्राइविंग फोर्सेज एंड एट द सेम टाइम कैन कन्वर्ट मोबलाइज द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस इस केस में क्या किया सकता है सौ लोग साथ में हैं, सौ लोग अपोजिशन में हैं। तो अगर हम ये सौ लोग जो आपके साथ में हैं इनको ज्यादा जोर दे दें और साथ ही साथ में इनको जो है न्यूट्रल कर दें कहने मतलब कुल मिला के यूँ समझ लो इनको इनको ओवर मतलब जो है इनकी पावर घटानी है तो यहाँ से पाँच लोग और ले आए अब क्या हुआ यहाँ एक लोग हो गए और ये पंचानवे हो गए अब भी चेंज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यानी कि आपको इसको फेवर करना है और इसको कमज़ोर करना है तब भी आप चेंजेज कर सकते हैं तो दो परिस्थितियाँ हुई जहाँ हम चेंज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पहला जिसमें ड्राइविंग फोर्स हावी है और दूसरा जिसमें ड्राइविंग फोर्स और रेस्ट्रेनिंग फोर्स दोनों इक्वल हैं ठीक है दोनों में चेंजेस पॉसिबल हैं तीसरा है इफ़ रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस आर स्ट्रांगर देन द ड्राइविंग फोर्सेस आप सोचो कि रेस्ट्रेनिंग वाला फोर्स जो है वो ज़्यादा हावी है विरोध ज़्यादा हो रहा है तो मत करिए है ना देन द मैनेजमेंट कैन ड्रॉप द चेंज प्रोग्राम अब आपको क्या चाहिए कि चेंज का प्रोग्राम छोड़ दीजिए दस लोग फेवर में बात करें और सौ लोग विद्रोह करने पर हैं कि हम होने नहीं देंगे तो मैनेजमेंट को चाहिए उस चेंज को रोक दे है ना एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल चेंज दीज फोर्सेस अगर नहीं संभव है या तो प्रोग्राम को रोक दीजिए और नहीं संभव है है ना तो फोर्स को चेंज करिए मतलब कहने का कि फोर्स को चें नहीं कर सकते क्योंकि क्या है विद्रोह ज़्यादा हो रहा है तो चेंजे हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं अल्टरनेटिव में इट कैन अटेम्प्ट टू चेंज दीज फोर्सेज बाई पोस्टपोनिंग द चेंज प्रोग्राम ठीक है अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है मान लो इस केस में हमें अब रेस्ट्रे मतलब जो है रेजिस्टेंस करने वाले फोर्स ज़्यादा लगे हुए थे अब हम क्या कर सकते हैं तो आप क्या करिए इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दीजिए ठीक है आप अगर आप प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो विद्रोह हो रहा था तो वो रुक गया जैसे किसान बिल इम्प्लीमेंट करना है उस समय विद्रोह ज़्यादा और रोक दीजिए छः महीने साल भर इंतजार करिए और जब फेवरेबल टाइम मिले तब इम्प्लीमेंट कर लीजिए एक ये व्यवस्था की जा सकती है कुल मिलाकर के यही है फ्रेंड जो है कर्ट लुइन थियरी क्लियर हो जाती है बात तो देखो कर्ट थेरी में एक और कॉन्सेप्ट जो है यूज होता है उसको बोलते हैं अनफ्रीज मेल्ट मेल्ट और एक होता है रिफ्रीज ठीक है अनफ्रीज मेल्ट और रिफ्रीज ये इसको समझाया इन्होंने कि जैसे मान लो आपके पास में कोई आ, बर्फ़ का टुकड़ा है ठीक है ऐसा सॉलिड बर्फ का टुकड़ा है आप इसको बदलना चाहते हो एक कोन में आइसक्रीम जैसा बनाना चाहते हो तो क्या करोगे पहले इस बर्फ के टुकड़े को अनफ्रीज करिए मतलब इसकी वो प्रॉपर्टी तोड़िए ठीक है थीके? फिर इसको मेल्ट करिए अब ये पानी में बदल लीजिए और पानी में बदल करके फिर इसको रीफ्रीज करिए इस कॉन के शेप में ले जाइए चेंज भी बिल्कुल इसी तरीके से ही चलता है मतलब कुल मिलाकर के आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो पहले जो पहले से चला आ रहा है उसको बदलने का प्रयास करिए है ना अनफ्रीज करिए फिर उसको मेल्ट करिए और फिर जो है नहीं जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है आपके यहाँ वो लैपटॉप चलाता है मतलब लैपटॉप पर काम करता है ठीक है लैपटॉप जो है वर्ड फाइल एम एस ऑफिस ये सारी चीज़ें यूज करता है एक्सेल सीड बनाता है ये सारे काम करता है अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कि अब लैपटॉप में काम करने के बजाय लैपटॉप रिपेयर करना पड़ेगा तो अब क्या होगा वो विरोध करेगा वो व्यक्ति वो बोलेगा कि सर मैं लैपटॉप पर काम कर लेता हूँ मुझे रिपेयरिंग नहीं आती है तो अब आपका काम होगा अनफ्रीज करने का उसको समझाइए कि भाई देखो अगर नहीं करोगे तो या तो फिर दूसरी नौकरी ढूंढ लो और नहीं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं सर सर्वाइव कर पाएगी हम दूसरे व्यक्ति को हायर करेंगे इस तरीके की बातें करके आप उसको अनफ्रीज करेंगे फिर मेल्ट करेंगे किसी तरह उसको बना, बना करके जो है तैयार किया और उसके बाद में उसको जो है सिखाया लैपटॉप रिपेयरिंग का काम तो यही है कर्ट लुइन की, तो की जो थेरी है उसके हिसाब से अगर आपको कोई चेंज कर चेंज का कोई प्लान एग्जीक्यूट करना है तो उससे पहले देख लीजिए कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो चेंज को प्रभावित करते हैं ठीक है जो आप प्लांट चेंज होते हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होते हैं बहुत सारे जो है फोर्सेस होते हैं वो इंडिविजुअल फोर्स होंगे ग्रुप में होंगे या नेशनल स्तर पर होते हैं जो या तो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और या फिर जो है उसे रजिस्ट करते हैं मना कर देते हैं ज़्यादातर केसेस में होता है रजिस्टेंस ही होता है विद्रोह ही होता है मना ही की जाती है कि हम ये चेंज होने नहीं देंगे ठीक है जब तक अब उसके बाद में उसके बाद में दे आर फोर अनलेस द मेजर फोर्स रेजिस्टिंग चेंजेज एग्री टू चेंज जब तक जो है जो ज्यादातर फोर्सेज है जो चेंज को विरोध कर रहे हैं रजिस्ट कर रहे हैं वो जब तक चेंज नहीं हो जाते यानी जो लोग आपके विरोध में हैं वो आपके साथ नहीं हो जाते तब तक मैनेजमेंट के लिए चेंज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स हैं आपके चेंज को प्रभावित करने वाले वो काम करते हैं फोर्स फील्ड थेरी पर जिस कॉन्सेप्ट को कर्ट लुइन ने दिया था तो इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो कि फेवर करते हैं और बहुत सारे होते हैं जो अपोज करते हैं तो इसकी वजह से एक्लेब्रियम जो है एट एट ए पॉइंट पाने के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी होता है ठीक है एक्लेबरियम कब रीच होता है जब जितने भी फोर्सेस हैं जो फेवर में है ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो उनका सम और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस का सम इक्वल हो जाता है तब जा करके आपको एक्लिब्रियम इस्टेब्लिश होता है यहाँ पर रेस्ट्रेनिंग फोर्स है यहाँ ड्राइविंग फोर्स है और ये क्वासी स्टैटिक एक्लिब्रियम आपने इस्टेब्लिस किया हुआ है क्वासी स्टैटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टेम्प्रोरी है क्षणिक है कुछ देर के लिए रहेगा या कुछ दिन के लिए रहेगा फिर हट जाएगा कर्ट लोइन की फोर्स फील्ड थेरी एनालिसिस कहती है कि जो ऊपर फिगर दिया गया है उसमें जो है क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि वहाँ पर रिस्टेनिंग फोर्स जो ए और बी हैं ऊपर और जो ड्राइविंग फोर्स ए एक्स एंड वाई है दोनों इक्वल हैं इसलिए हमें मिला हुआ है ठीक है क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगा इसलिए इसे क्वासी स्टैटिक uh, कहते हैं नया एक्म थोड़े समय बाद मिल जाता है अगर कुछ चेंजेस होते हैं जब भी आप कोई चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो फोर्स ड्राइविंग वाले हैं जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है विरोध करने लगते हैं ठीक है मतलब अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे वो भी डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द चेंज किस तरीके का आप चेंज ला रहे हैं अब तीन तरीके की सिचुएसन हो सकती है जब ड्राइविंग फोर्सेज और रिस्ट्रेनिंग फोर्स जब ऑपरेट कर रहे हो दोनों के दोनों अगर काम कर रहे होंगे तो तीन तरीके की सिचुएसन हो सकती है पहला जब ड्राइविंग फोर्स जो है हाबी है आपके जो है रेस्ट्रेनिंग फोर्स से तो उस केस में मैनेजमेंट चाहे तो ड्राइविंग फोर्सेस को थोड़ा सा जोर देगा और रेस्ट्रेनिंग फोर्स को ओवर पावर करेगा उनको कमज़ोर करेगा और इम्प्लीमेंट कर सकता है अगर ड्राइविंग फोर्स हावी है तो चेंजेस आसानी से हो जाएंगे अगर ड्राइविंग फोर्सेस और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस दोनों इक्वल हैं तो मैनेजमेंट को चाहिए कि ड्राइविंग फोर्सेस को थोड़ा सा जो है फोर्स दें पुश करें और इनको जो है थोड़ा सा कंट्रोल करें और चेंजेस हो सकते हैं ठीक है अगर लेकिन रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस ज़्यादा हावी हैं स्ट्रोंगर हैं तो उस केस में मैनेजमेंट को चाहिए कि इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दे इस प्रोग्राम को नहीं करना चाहिए अब अगर मान लो कि करना ही है इस चेंज को लाना ही है तो थोड़े दिन के लिए अगर आप पोस्टपोन कर देते हैं उस चेंज प्रोग्राम को तो ठीक रहेगा और जब अच्छा टाइम आए जब आपको लगेगा अब सही समय है चेंज को इम्प्लीमेंट करने का तब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही ये पूरा वीडियो हमारा कवर हो जाता है होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा ठीक है आप लाइक वगैरह कर सकते हैं Thank you so much, friends.